ठीक है। पहली बात तो जिन्होंने भी मैराथन की है उनको बता दूं, बिकॉज यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। आज का जो ग्रास रनिंग है दैट विल बी फॉर जो जिन्होंने भी मैराथन लगाई संडे को, आज ट्यूजडे है, उनके लिए वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट माना जाएगा। और जो ट्रैक रनर्स हैं उनके लिए तो दी बेस्ट वर्कआउट है 200 मीटर फास्ट 200 मीटर स्लो ऑन ग्रास। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इससे आपकी हार्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इसीलिए ग्रास रनिंग को इतना मैं इंपॉर्टेंस भी देती हूँ कि आपके एक तो जारिंग इफेक्ट नहीं होता है तो इंजरी नहीं होती है, दूसरा आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं जब आप स्पीड लेते हैं तो उसमें आपकी हार्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। और एंड्योरेंस रनर्स को हार्ट एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप रोज रोज रोड पे जाते हैं उससे जारिंग इफेक्ट आपका 3 times मोर देन योर बॉडी वेट आपके पैरों पे पड़ता है, तो उसी से नी इंजरी, शिन पेन, स्ट्रेस और जो फुट की इंजरीज होती हैं वो ज़्यादा रोड रनिंग करने से होती है। तो इसीलिए वीक में 3 ग्रास रनिंग ज़रूर होनी चाहिए, उसमें फास्ट भी होना चाहिए, और जिस दिन लॉन्ग रन कर रहे हैं उस दिन तो आप स्लो कर रहे हैं, तो ग्रास पे अगर हम फास्ट करते हैं और मेनली स्ट्राइडिंग वाला वर्कआउट 200 का, 100 का, और अगर कहीं बड़ा पार्क है तो 300 का भी हो सकता है। 200 फास्ट 200 स्लो करेंगे, पूरा ग्रास पे करेंगे, और हमारे पास बहुत अच्छा लोधी गार्डन में वैसी जगह भी है जहां हम इसको कर सकते हैं, वो 150 का हो या 200 का हो, लेकिन जो फास्ट करेंगे वो पूरा फास्ट होगा, कोई उसमें अपने आप को होल्ड नहीं करेगा। फास्ट मीन्स फास्ट फॉर एवरीवन, जितने भी हैं, जो नए रनर्स हैं अगर वो सोच रहे हो कि हम ये वर्कआउट कैसे करेंगे तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इट्स प्रूवन दैट स्लो फास्ट ट्रेनिंग से आपकी फिटनेस सबसे जल्दी इम्प्रूव होती है। और 100-200 मीटर का फास्ट बहुत बड़ा नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज कि आप उसको 30 minutes नहीं कर पाएंगे। हमने 30 minutes करना है, जो बिगनर्स हैं और अनफिट हैं वो इसको बीच में एक गैप दे देंगे, अदरवाइज 30 minutes का होगा जिसमें 20 minutes के बाद हम एक वाटर ब्रेक देंगे जो बहुत जरूरी है। अभी देखो ठंड का मौसम शुरू हो गया, यहाँ विंटर सीजन में प्यास कम लगती है, लेकिन हमें आदत डाल के एवरी 20 minutes पानी जरूर पीना है, नहीं तो रिकवरी बहुत डिले हो जाएगी। जब आप वर्कआउट के बाद फिर शाम का अगर वर्कआउट करते हैं उसके लिए या नेक्स्ट डे का वर्कआउट करते हैं, अगर 3 से 4 liters पानी आपके बॉडी में नहीं गया तो रिकवरी स्लो हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम यहाँ से कोई डिले नहीं करेगा क्योंकि आप अच्छी खासी वार्म अप कर चुके हैं। आप जाएंगे अपने पानी की बॉटल लेंगे, अपना मैट लेंगे और हमारा जो 200 मीटर का एरिया है वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, जस्ट इन 2 minutes। ओके, एज फास्ट एज पॉसिबल एक दूसरे से। मैं ना बेचारी इसको उठा के उधर फेंक, इसमें जितना फास्ट कर सकती हो तीनों लड़कियां आपस में कंप्लीट करो, वेरी गुड, कंप्लीट भी दी जाता, ये स्ट्राइडिंग है। और मैं स्केचर टीम से पिछले एक साल से जुड़ा हुआ हूँ,
सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर सुनीता बदारा को, जिनकी डायनामिक लीडरशिप में हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है और एक फैमिली की तरह रहते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और सबका मोटो एक है कि एक दूसरे को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है और कम्पीट भी करते हैं। ऐसे भी कम्पीट नहीं करते, हम अपने एज ग्रुप से छोटों से भी कम्पीट करते हैं, बड़ों से भी। तो उसका एन्जॉयमेंट ही अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है ग्रुप में आके। अच्छा मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज के वर्कआउट में देर इज नो एज बार, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, हम तो तुम्हें वॉच कर रहे थे 17 ईयर से लेके 18 ईयर से लेके 60 प्लस तक, सब लगे पड़े थे एक दूसरे को काटने में। इतनी बढ़िया स्प्रेडिंग करी है आज तुम लोगों ने। वॉच दिस ऑन सुनीता गोदारा फेसबुक पेज, वॉच दिस ऑन स्केचेस गो रन क्लब पेज और इंस्टाग्राम, वेयर एवर आई विल पुट इट एवरीवेयर, जो भी मेरा सोशल मीडिया है उसमें वॉच इट, लाइक शेयर एंड कमेंट।